Welcome and good morning to online class, class 7. I am your teacher, Ms. Anna Maria. First of all, what is communication? Our chapter is communication. What is communication? Anybody tell me? Anybody tell me what is communication? ठीक है, कम्युनिकेशन मैं बता देती हूँ आपको क्या होता है. कम्युनिकेशन हमने हमारा चैप्टर हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था. वी स्टार्ट द सेकंड चैप्टर इन लास्ट क्लास और वही अभी हमारा चल रहा है. कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस विच वी कनेक्ट विद ईच अदर. कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स इज कॉल्ड नॉर्मल वर्बल. अब जो कम्युनिकेशन हम लोग नॉन वर्बली करते हैं, ठीक है, विदाउट वर्ड्स, उसको कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर हम लोग वर्ड्स यूज ना करें, ठीक है. इसके अंदर हमने लास्ट टाइम एक आर्टिस्ट के बारे में पढ़ा था. माइम आर्टिस्ट थे जो अपने बॉडी लैंग्वेज को, अपने एक्सप्रेशन, अपने इमोशन से सारा कुछ एक्सप्रेस करते थे और लोग उसको अंडरस्टैंड करते थे. पीपल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, वो सब कुछ जो है वो अंडरस्टैंड करते थे इसके फेशियल एक्सप्रेशन से, बॉडी मूवमेंट से, उसकी हैंड की मूवमेंट से. क्या थे कि वो सब कुछ हमारे पास जो आर्टिस्ट थे जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, मार्शल मर्क्यू थे जिनके बारे में हमने ये सारा कुछ रीड किया था कि वो किस तरह अपने जो शोज वगैरह करते थे, किस तरह अपने थिएटर परफॉर्मेंस करते थे, इसके हवाले से मैंने आपको वीडियो में भी शो किया था, ठीक है. अब हमारे पास जो है आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है लुकिंग एट कार्टून्स, ठीक है. अब कार्टून्स के बारे में इसके अंदर क्या है, ये भी हमारे पास माइंड से ही रिलेटेड है. हमारे पास एक एक्टिविटी है, ठीक है, लुकिंग माइम्स, लुकिंग एट कार्टून्स. कार्टून्स के बारे में है, लाइक माइम्स कार्टून कैन मेक अस लाफ. क्या कह रहे हैं कि कार्टून हमें हंसाते हैं. दे स्पीक टू अस थ्रू पिक्चर्स समटाइम्स विद द हेल्प ऑफ अ टाइटल और कैप्शन. अब क्या कह रहे हैं इसके अंदर कि हमारे पास जो है इसके अंदर हम लोग जो कार्टून जो है हमें हंसाते भी और समटाइम्स क्या करते हैं ये समटाइम्स हमको ये थ्रू पिक्चर्स के और हमारे पास पिक्चर से भी हमने अंडरस्टैंड करते हैं और समटाइम्स क्या होता है इसके अंदर जो हमारे पास टाइटल आ रहा होता है, जो कैप्शन आ रहा होता है, नीचे लिखा हुआ होता है कैप्शन, उससे भी हम लोग क्या इन चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं. Have you got a favorite cartoon or cartoon character? क्या आपको कोई आपका कोई ऐसा फेवरेट है कार्टून करेक्टर? Have you got a favorite cartoon or cartoon character? क्या आपको कोई फेवरेट कार्टून करेक्टर है? Why does it make you laugh? क्या वो आपको किस तरह हंसाते हैं, क्यों हंसाते हैं, ठीक है. अब जैसे टॉम एंड जेरी है, टॉम एंड जेरी के अंदर क्या है कि वो बहुत उनको हमें देखने से ही अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि वो क्या कर रहे हैं. वो हमें हंसाते हैं आपस में, उनके जो भी एक्टिंग वगैरह होती है उससे हमें पता चल जाता है कि वो किस तरह उनकी जो परफॉर्मेंस है उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लोग आपस में फनी एक्ट कर रहे होते हैं. जो भी कर रहे होते हैं, टॉम उसके पीछे घूम रहा होता है या जेरी के पीछे पीछे वो घूम रहा होता है, जेरी को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उसके उसको कैच नहीं कर पाता. एक्सप्लेन व्हाट इज गोइंग ऑन द कार्टून ऑन दीस पेजेस. अब कह रहे हैं कि इन पेजेस के अंदर क्या हो रहा है. व्हाई डू वी थिंक दे आर फनी. क्या ये फनी है? कार्टून्स कैन ऑल्सो ड्रॉ अटेंशन टू सीरियस थिंग्स. डू यू थिंक कार्टून आर एन इफेक्टिव वे टू कम्युनिकेट इम्पोर्टेंट मैसेज. क्या आपको लगता है कि कार्टून से जो है आप लोग को कोई इम्पोर्टेंट मैसेज मिलता है या इफेक्टिव मैसेज मिलता है? क्या कार्टून भी सीरियस होते हैं? कार्टून से भी हमें सीरियस मैसेज मिलता है, ये बिल्कुल सही है. कार्टून हमें बहुत इफेक्टिव मैसेज भी देते हैं. वाई इज वीक ऑफ मार्शल मर्क्यू पैरट फर्मली क्लोज्ड. ठीक है, अब ये क्या है, एक पैरट है, ठीक है, क्या उसके नीचे जो नाइफ है, नाइफ से वो भाग रहा है. इसके अंदर यही दिखाया कि वो नाइफ से जो है वो भाग रहा है, उसके जो हाथ है आगे और वो नाइफ से जो वो भाग रहा है. What is the parrot doing? Its wings. वो अपने wings के साथ क्या करे कि वो wings के साथ वो बिल्कुल एक seriously बैठा हुआ, वो अपने wings के साथ अपने wings उसने आगे को किए हैं और ये आगे को जाने की कोशिश कर रहा है. अब दूसरी pictures में हमारे पास क्या है? You speak funny. How come you don't have a lips? अब ये क्या है, इसके अंदर हमारे पास एक सीक एस की आवाज आ रही है, lips, और ऊपर हमारे पास लिखा हुआ है you speak funny. एक हमारे पास आवाज आ रही है, इस तरह की आवाज आ रही है, इसके अंदर ये आवाज आ रही है. Who is odd number out in this cartoon? What kind of picture
impediment to the lips. अब इस पिक्चर के अंदर क्या हो रहा है हमने वो बताना है. क्या ये फनी पिक्चर है, किस तरह की पिक्चर है. अब पिक्चर से यू स्पीक्स फनी. अब इसके अंदर जो है वो क्या, एक उनकी आवाज जो निकली इसके अंदर एस की आवाज आ रही है, ठीक है. अब उसके बाद हमारे पास क्या है, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, फूड चेन है. फूड चेन के अंदर हमारे पास क्या है, फूड चेन है. अब देयर इज अ स्मॉल फिश देन स्मॉल फिश जो है वो उससे बड़ी फिश को खा रही है, बड़ी फिश जो उससे बड़ी फिश को, मतलब ये एक फूड चेन चलता जा रहा है. बड़ी जो है छोटी को खा रही है, छोटी जो उससे छोटी को खा रही है, तो ये क्या है, फूड चेन. और फिर ये जो पीछे जो एक बॉक्स आ रहा है, ठीक है, ये पूरा एक फूड चेन है. व्हाट इज अ फूड चेन, हु इज एट द एंड ऑफ द चेन. एंड ऑफ द चेन, चेन पे कौन है, एंड ऑफ द चेन पे क्या है, ऑब्वियसली ह्यूमंस है, ठीक है. इसको एक कंटेनर में जा रहा, तो उसके बाद क्या है, इसको ह्यूमंस ईट कर रहे हैं. उसके बाद इवेल्युएशन क्या है, कि एवेल्युएशन में क्या है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एवेल्युएशन में एक वाटर है, वाटर के अंदर ये है, फिर उसके बाद ये ऊपर को आया, फिर ये ऊपर आया, फिर ये इस तरह की पिक्चर हुई, फिर इस तरह, फिर उस तरह. उसके बाद एंड में ग्लोबल वार्मिंग में इंसान अपनी ही वजूहत से ग्लोबल वार्मिंग में उस पानी के अंदर डूब जाता है, ठीक है. ये क्या है, वैल्यूएशन है, एक कि एक पिक्चर है, ठीक है, उसके अंदर एक एनिमल है, फिर उसके बाद वो बड़ा हुआ फिर क्या क्या है ये जो है. अब इसके अंदर क्या है, अब ग्लोबल वार्मिंग जो इंसान जो है, ये जो हमारा क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से ह्यूमन क्या है, एनिमल्स भी इससे बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं. तो क्या है, एक्सप्लेन हाउ द पिक्चर फॉलो एंड ऑन फॉर्म ऑन अनदर, व्हाट पॉइंट्स इज द कार्टूनिस्ट मेक इज द फाइनल पिक्चर. अ फाइनल पिक्चर जो सबसे लास्ट वाली पिक्चर है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो मैन है वो क्या है, वो पानी के अंदर जा रहा है. ये क्या है, ये ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है. ये जो हमारे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये सारा कुछ उसके मुताबिक है कि क्लाइमेट हमारा चेंज हो रहा है, इससे क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं. ये सारी एक हमारे पास एक एवेल्युएशन आई हुई है. फिर इसके बाद हम लोग आज हम एक ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे फ्रॉम द स्टोरी ऑफ बाय लाइफ हेलन किलर. हेलन किलर के बारे में हम लोग एक स्टोरी रीड करेंगे, उसकी उसकी ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, जो उसकी खुद की लिखी हुई होती है. जैसे हेलन किलर के बारे में जो ऑटोबायोग्राफी है उसके बारे में कंप्लीट जानेंगे, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू वॉच द वीडियो, ओके. आई एम शर्ली ग्रिफिन एंड आई एम रे फ्रीमैन. एवरी वीक वी टेल अबाउट अ पर्सन हु वाज इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. दिस वीक वी टेल अबाउट हेलन किलर. शी वाज ब्लाइंड एंड डेफ, but she became a famous writer and teacher. The name Helen Keller has had special meaning for millions of people in all parts of the world. She could not see or hear, yet Helen Keller was able to do so much with her days and years. Her success gave others hope. Helen Keller was born June 27, 1880, in a small town in northern Alabama. Her father, Arthur Keller, was a captain in the Army of the South during the American Civil War. Her mother was his second wife. She was much younger than her husband. Helen was their first child. Until she was a year and one half old, Helen Keller was just like any other child. She was very active. She began walking and talking early. Then, 19 months after she was born, Helen became very sick. It was a strange sickness that made her completely blind and deaf. The doctor could not do anything for her. Her bright, happy world now was filled with silence and darkness. From that time until she was almost 7 years old, Helen could communicate only by making signs with her hands. But she learned how to be active in her silent, dark environment. The young child had strong desires.
mind was ready to explode inside of her because she could not make people understand her. She screamed and struggled when her mother tried to control her. When Helen was six, her father learned about a doctor in Baltimore, Maryland. The doctor had successfully treated people who were blind. Helen's parents took her on the train to Baltimore. But the doctor said he could do nothing to help Helen. He suggested the Kellers get a teacher for the blind who could teach Helen to communicate. A teacher arrived from the Perkins Institution for the Blind in Boston. Her name was Annie Sullivan. She herself had once been almost completely blind, but she had regained her sight. At Perkins, she had learned the newest methods of teaching the blind. Annie Sullivan began by teaching Helen that everything had a name. The secret to the names was the letters that formed them. The job was long and difficult. Helen had to learn how to use her hands and fingers to speak for her. But she was not yet ready to learn. First, she had to be taught how to obey and how to control her anger. Miss Sullivan was quick to understand this. She wrote to friends in Boston about her experience in teaching Helen. The first night I arrived, I gave Helen a doll. As she felt the doll in one hand, I slowly formed the letters D-O-L-L with my fingers in her other hand. Helen looked in wonder and surprise as she felt my hand. Then she formed the letters in my hand, just as I had done in hers. She was quick to learn, but she was also quick in anger. For 7 years, no one had taught her self-control. Instead of continuing to learn, she picked up the doll and threw it on the floor. She was quick in almost everything she did. Even at the table while eating, she did exactly as she pleased. She even put her hands in our plate and ate our food. The second morning, I would not let her put her hand on my plate. The family became troubled and left the room. I closed the door and continued to eat. Helen was on the floor, kicking, screaming, and trying to pull the chair out from under me. This continued for half an hour or so. Then she got up from the floor and came to find out what I was doing. Suddenly she hit me. Every time she did this, I hit her hand. After a few minutes of this, she went to her place at the table and began to eat with her fingers. I gave her a spoon. She threw it on the floor. I forced her to get out of her chair. After 2 hours, she sat down and ate like other people. I had to teach her to obey, but it was painful to her family to see their deaf and blind child punished. So I asked them to let me move with Helen into a small one-room house nearby. The first day Helen was away from her family, she kicked and screamed most of the time. That night, I could not make her get into bed. We struggled, but I held her down on the bed. Luckily, I was stronger than she. The next morning, I expected more of the same, but to my surprise, she was calm, even peaceful. 2 weeks later, she had become a gentle child. She
ready to learn. My job now was pleasant. Helen learned quickly. Now I could lead and shape her intelligence. We spent all day together. I formed words in her hand, the names of everything we touched. But she had no idea what the words meant. As time passed, she learned how to sew clothes and make things. Every day, we visited the farm animals and searched for eggs in the chicken house. All the time, I was busy forming letters and words in her hand with my fingers. Then one day, about a month after I arrived, we were walking outside. Something important happened. We heard someone pumping water. I put Helen's hand under the cool water and formed the word W-A-T-O in her other hand. W-A-T-E-R. I formed the word again and again in her hand. Helen looked straight up at the sky as if her lost memory or thought of some kind was coming back to her. Suddenly, the whole mystery of language seemed clear to her. I could see that the word W-A-T-E-R meant something wonderful and cool that flowed over her hand. The word became alive for her. It awakened her spirit. ठीक है बेटा बेटा, ये तो थी वीडियो जो हेलेन केलर के हवाले से थी। हमारे पास इंट्रोडक्शन था सारा कि इसके अंदर उसने किस तरह अपनी लाइफ एक्सपेंड की, कितनी उसको डिफिकल्टीज थी। ठीक है, अब ये तो था आप लोग के, एक मैंने एक ओवरव्यू दिया, एक इंट्रोडक्शन दिया। आप लोग का जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट ये होगा कि आपने इन पेजेस को रीड करना है। ठीक है, पेज नंबर 33, पेज नंबर 34 एंड पेज नंबर 35, और इनको रीड करके फिर एंड में ये जो कम्प्रीहेंशन है इनके आपने आंसर्स देने। ठीक है, ये तो है आपका असाइनमेंट। क्लियर है? ठीक है, ये असाइनमेंट हो गया आपके पास। ठीक है, yes, उसके बाद अब मेरे पास एक अनाउंसमेंट है आपके लिए। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। ठीक है, इसके अंदर क्या है स्टूडेंट, आई हैव अनाउंसमेंट फॉर यू। द रीडिंग वीक इज स्टार्ट फॉर फ्रॉम 15 जुलाई। आप लोगों ने व्हाट्सएप पे भी देखा होगा कि 15 जुलाई से एक एक्टिविटी हो रही है जिसके अंदर आपने जिसके अंदर क्या होगा कि आप लोगों की रीडिंग वीक है, आपने रीडिंग करनी है। यू हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस एक्टिविटी। सब ने इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है। सो व्हाट टू डू, आपने करना क्या होगा, यू रीड द आर्टिकल, कोई आर्टिकल रीड कर लें, कोई स्टोरी रीड करें, कोई ऑटोबायोग्राफी रीड करें, कोई डिस्क्राइब करने आपने उसको, जो जो भी चीज़ आप रीड करेंगे, चाहे वो कोई आर्टिकल हो, चाहे वो कोई स्टोरी हो, चाहे वो कोई भी कोई ऑटोग्राफी हो जाए, कोई मैगजीन का आर्टिकल हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसको आपने रीड करना। उसके बाद आपने उसको अच्छे से डिस्क्राइब करना या एक्सप्लेन करें अपनी ओन वर्डिंग के अंदर, इंग्लिश के अंदर ही उसको एक्सप्लेन करना है। और फिर क्या करना है, आपने उसकी वीडियो बनानी है अपनी। योर प्रोनाउंसिएशन मस्ट बी वेरी क्लियर। आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है बिल्कुल, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपकी। ठीक है, उसके अंदर आप जो एक्सप्लेन कर रहे हो, जो डिस्क्राइब कर रहे हो, वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब होना चाहिए। ठीक है, द स्टूडेंट गेट द प्राइज। द जो स्टूडेंट जो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, अच्छे से रीड करेगा, अच्छे से डिस्क्राइब करेगा, तो क्या उसको जो है वो प्राइज भी मिलेगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसके अंदर आपने कोई भी टॉपिक ले लें, कोई भी रीडिंग, कोई भी स्टोरी, कोई भी आर्टिकल, उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना। चाहे कोई, अगर आप कोई पोएम को पोएम देखें, तो कोई पोम है, तो उसके अंदर क्या होगा कि पोम के अंदर आप उसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, आप चाहे उसको अपने आप उसको फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल जैसे सिंड्रेला का पोएम है, सिंड्रेला की कोई स्टोरी है, तो आप
जब उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप खुद को एज अ सिंड्रेला की तरह आप अपने आप को कोई गर्ल एक्सप्लेन करिए तो वो खुद अपने आपको सिंड्रेला शो करके उसको एक्सप्लेन करे अपने जो करेक्टर है सिंड्रेला का वो उसको अपने एज अ करेक्टर शो करके उसकी एक्ट करके और उसको इस तरह भी डिस्क्राइब कर सकता है. बहुत सारे वेज है लेकिन आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. एक्सप्लेनेशन मस्ट बी क्लियर. आपकी एक्सप्लेनेशन या डिस्क्राइब कर रहे हो उसको जो भी करेंगे वो आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए. इसके आप वीडियो बना के आप वो मुझे व्हाट्सएप पे आप मुझे सेंड करेंगे. ठीक है इतने वाले से कोई क्वेश्चन? आप लोगों ने इनविटेशन देखा? आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे इनविटेशन देखा रीडिंग वीक का? यस मिस. किसके हवाले से कोई क्वेश्चन? हेलो स्टूडेंट डू यू हैव एनी क्वेश्चन और क्यूरी अबाउट दिस अबाउट द रीडिंग वीक? हेलो स्टूडेंट्स do you have any question about the reading week competition? Miss video banani hai audio? Ji video banani hai audio? Aap video bhi bana sakte hain audio bhi bana sakte hain. Video bana lenge to zyada acha hoga. It's your choice. If you want to make a video, so make it video. If you want to be, make a audio, so you make a audio. अगर आप चाहें तो वीडियो बना ले, अगर चाहते हैं ऑडियो बनाना तो आप ऑडियो बना ले. लेकिन the things do you perform very clear. जो चीजें आप परफॉर्म करें तो वो सब कुछ जो है वो बहुत क्लियर होना चाहिए. The things should be very clear. हर एक चीज बहुत क्लियरली एक्सप्लेन होनी चाहिए. सब कुछ बहुत क्लियरली हो. तो ओके स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज. हाफिज.